हुआ है। और जो है हमारे यहाँ जो है 70,000 से अधिक जनसंख्या निवास करती है, जिसके भविष्य के ऊपर हमारे मध्य प्रदेश शासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ मुलतापी जिले को बनाने के लिए शासन आदिवासी क्षेत्र का बहाना बनाता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण मुलतापी क्षेत्र को जो है नया जिला नहीं बनाया जा सकता है, और इससे आदिवासी जनसंख्या की आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में खलल पैदा होगी और उनका विकास में रुकावट पैदा होगी। लेकिन चौक से लाइव मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुलताई को जिला बनाने को बनने वाले संभावित छोटा तक मुलतापी जिले में एक आगाज है जो है कार्यक्रम है, इसको लेकर मैं हमारे बैतूल जिले में तो यहाँ पर मुलताई में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक आला जो हमारे जनप्रतिनिधि है और मुलताई नगर के युवा है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। जो जो मुझे लाइव देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपनी हमारे संभावित मुलतापी जिले में पर आ गई है, तो अब बैतूल जिले में पूरे 89 खंड विकास है और तो आपको हमारे मुलतापी जिले क्षेत्र में 7 खंड विकास आदिवासी खंड विकास है, और इन 7 आदिवासी विकास खंडों में है आठनेर आदिवासी विकास खंड, भैसई आदिवासी विकास खंड, भीमपुर आदिवासी विकास खंड, चिचोली विकास खंड, गोरापुरी विकास खंड, शाहपुर आदिवासी विकास खंड और बैतूल जिला विकास खंड। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारे संभावित मुलतापी जिले में कोई भी आदिवासी विकास खंड शामिल नहीं होगा, और आदिवासियों के जनजीवन और उनके आर्थिक विकास में गत हाल ही में मुलताई के समीप जो पांडुना है उसको जिला बना दिया गया है। मुलताई के विभिन्न पत्रकार लोगों ने भी अभी अभी मुलताई विधायक महोदय से भी सवाल जवाब किए हैं, जो कि लगातार हमारे क्षेत्रों में सभी को करना चाहिए। और हम हैं अभी मुलताई के बजरंग दल चौक में, पीछे साइड आपको नारेबाजी की आवाज़ समझ में आ रही होगी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप ज़रूर नीचे लिख दीजिए। सूर्या दीदी मुझे बता दे कि नीचे अपनी वॉइस और क्वालिटी कैसी आ रही है। हम लोग फिलहाल लाइव है यहाँ पर और बैक कैमरे में आपको ये जो बहुत बड़ी संख्या में नारेबाजी नजर आ रही है तो वही हम लोग उसको कवर करने के लिए यहाँ पर आए। ये एक आगाज है, एक छोटी सी आवाज़ है जो बड़ी हो रही है। हस्ताक्षर अभियान अभी चलाया जा रहा है, एक नया परिंदा फाउंडेशन भी यहाँ पर लगा हुआ है, इसके अलावा और भी संगठन यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, बड़ी संख्या में युवा नज़र आ रहे हैं मुझे जो कि क्या बोलना चाहिए। हाँ ठीक है सब ओके। तो दीदी ने मुझे बता दिया कि सब ठीक है। बैक कैमरे से मैं आपको एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो बैक कैमरे से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बड़े बड़े क्या बोलना चाहिए जितने भी जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ वो और भी बड़ी हो जाए, जिला लेवल के हिसाब से हो जाए, इसको लेकर मुलताई को जिला बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर ये अभियान का आगाज़ है वो एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ आप मुलताई की ट्रैफिक व्यवस्था देख लीजिए जो कि फिलहाल है नहीं। यहाँ पर कोई भी मुझे मुलताई पुलिस वाले पुलिसकर्मी भी नज़र नहीं आ रहे हैं, और इसके पहले शासन को पहले सूचना दी जा चुकी है, फिलहाल 2 पुलिसकर्मी मुझे नजर आए हरदा जिले में, और अब हम केवल 3 लेते खंड विकास है चलेंगे और संभावित मुलतापी जिले में 4 खंड विकास होंगे। इस प्रकार मुलतापी जिले में जो है 1 खंड विकास अधिक होगा और जनसंख्या की दृष्टि से भी जो है इसके अलावा जो बनने वाला संभावित मुलतापी जिला सबसे बड़ा होगा। और सबसे रोचक तथ्य है कि मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले